नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम पर अगर आप कुछ खास सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। नगरीय निकाय चुनावों के ऐलान होते ही प्रदेश भर के लोग सबसे पहले मतदान की तारीखों की तरफ देखते हैं, उसके बाद मतदान की तारीखों के बाद वो परिणामों की तरफ नज़र डालते हैं। हर किसी को ये जिज्ञासा होती है कि हमने अब मतदान कर दिया तो अब परिणाम क्या होंगे। ऐसे में फिलहाल पंजाब केसरी राजधानी भोपाल के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए उस जगह पर खड़ा है जहां पर कल नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे बिल्कुल पीछे यहीं पर कल परिणाम घोषित होंगे नगरीय निकाय चुनाव के, और जहां एक और चारों तरफ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोकल बॉडी के ये चुनाव हैं और उनके परिणाम आने हैं, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी जिज्ञासा होती है। और यही कारण है कि प्रतिनिधियों के समर्थक, उनके साथ साथ कई ऐसे आसपास के लोग और काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है कुल मिलाकर। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है, चारों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। और इसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि कल 8 बजे से परिणामों की घोषणा शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर गिनती के साथ ही जो परिणाम होंगे वो सब आप सबके सामने आने लगेंगे। बीते कुछ दिनों से जब से नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से पंजाब केसरी लगातार आप सब तक सारी अपडेट्स पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं, इसके लिए ग्राउंड जीरो पर प्रदेश भर के सभी पंजाब केसरी के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कल परिणामों को लेकर के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।